नमस्कार राइजिंग उत्तराखंड और अरुण हिमेश का हार्दिक नमस्कार। आज मैं आपको मंजीन कांडे के बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि इसकी क्या मान्यता है। नमस्कार पंडित। नमस्कार। तो जरा मंजीन कांडा बारे में बता। मंजीन कांडा। हाँ जी। मंजीन कांडा मजीन कांडा मंदिर। हाँ जी। जो मेन नौ लोग मंजीन कांडा बोलते हैं मंजू घोषेश्वर महादेव। अच्छा मंजू घोषेश्वर। आप पढ़िए जो मंजू घोषेश्वर पहली बेटी। अच्छा, पहली बेटी मंजीन कांडा मतलब शॉर्ट में बोलते हैं नाम। हाँ जी। हाँ जी। मंजीन कांडा ये मंदिर बहुत पुराना है कालांतर बेटी। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो मंदिर जो आज बने हो लोग। हाँ जी। कम से कम सभी बस बेटी देखना चाह। हाँ जी। तो वो बोले पार्वती जी इनके भाई ये कोलासुर का मन में आए बुरु विचार। बुरु विचार। तो शिव जी ने बोले आप चिंता नहीं करा मेरे एक ही इंतजाम करें अगर कोलासुर माता यहीं रह छेड़ दे। हाँ। तो हम काली माता थे आह्वान करी छे ये काली माता को मंदिर। अच्छा, काली माता अगर काली माता गए थे वो अगर छेड़ दो। हाँ। तो वो नष्ट हो नष्ट बलि बंद कर दे। अच्छा अच्छा। कोलासुर का जो अनुचर था वो बकरों के रूप में होना चाह। हाँ जी। और अब कोलासुर भैंसा का रूप में होना चाह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जय दिन वो आनी छे ना गणेश जी को बोली उन्होंने माता ने कि ऐसा है बेटा कि वैसे तो शिव जी का पूरा इंतजाम कर रखा लेकिन कई कोलासुर महा माया भी दैत्य गाई बुढ़ा पूछो इतना ही गाई बात बनो क्या हमारो नाती मीते समझावा जलावा बाती बुढ़िया ना अपना चश्मा लगाना हर बिस्तर माँ बस रही के ना उन तो जमानो बदलेगी बहुत बली माँ तो होंगी बेमौत मौत फिर भी मैं सोच लू नाती की बात उन तो पड़ी जे हम रात बुढ़िया ने भोल पंचायती लाई नाती की बात उख मुँह उठाई काफी सोची समझी निष्कर्ष निकल कि भोल एक टोली बक्या मु जाली यहाँ को नवारू एम ली जाली और गणे पूछे कि हम ते बता ली बक्या कुछ दूर सी गाँव में जायो पैरा लगाणो पली सारी गायो पैरा लगाणो पली सारी गायो बाक बोल दो वो अड़गट हो गए और लोग रगरेट हो गए पर देवता का भोरमा इन बोली बलि निकलना सुना कान खोली बलि निकलना सुना कान खोली निशान सिर फल से देवताओं मनावा श्रद्धा का फूल देवताओं चढ़ावा मंदिर का पास मंदिर बनावा प्याऊ लगावा और दान दवा सुनी की टोली प्रसन्न होगी और रुमक पुणों को गौ माँ आएगी बतलाई तो न बक्या की बात अरकन पोड़ी चेतो रात झट से गौ माँ आयु फैसला होगे कि बलि बंद करने को वक्त आएगी हंसी खुशी से निशान आएगे मेला का वास्ता तैयार होगी बेटी बुआरी सभी खुशी बेना और हंसी खेलेगी मेला मंगे बहुत बढ़िया पूर्वे रक्षत गोविंद राम अग्नियाम गरुड़ ध्वजा यामा रक्षत वारा हो नरसिंह वायुर्णो श्रीधरो रक्षे वायवे मधुसूदन उत्तरे रक्षे दिशाने तु गदाधर वायुर्णो श्रीधरो रक्षे गदाधर ओम दशो दिशा रक्षे महादेवा मंजुघोषेश जय मंजुघोषेश्वर महादेव। पंडित जी जो मंदिरों के बारे में आप बताने जो मंदिर सनिक है ना ये जो गेट छे। हाँ जी। ये चंद्रपंथी गेट बोल रहे हैं चंद्रपंथी गेट। हाँ ये समय चंद्रपंथी माता का मंदिर। अच्छा वो बोल रहे की ये जो माता जो मंजूमती उनकी छोटे बहन। अच्छा बागी बकर जो भी यज्ञ निशान वो सब भी समर्पित होना। अच्छा एक बेटी देखो ना जन और ढोल दमा वगैरह सब बजने ढोल दमा मरना लगता है हर वो हम जरूर हूँ की भी स्तुति होगी चंद्रबल्ले जी की। तो ये वास्ते ये बहुत कनेक्टेड थे और वे का नाम कमलेश्वर मंदिर कमलेश्वर श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर वो भी महादेव जी कुछ मंदिर जो मंदिर कैमरा जरा मंदिर अच्छा शंकराचार्य यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे निशान और ये घंटियाँ जो चढ़ाई जाती है ये जो घंटियाँ देख रहे हैं आपने काफी घंटियाँ आप तो यहाँ पे जो चढ़ाए जाते हैं उसी से काफी उनको पूरा फल मिल रहा है उनकी मनोकामना और देखो इसके जो एक मंदिर खास है देखो इसमें एक भी ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा आपको ये मंदिर जब उसमें सीमेंट और कुछ नहीं खुर्ची चुनल कुछ नहीं होता। ये काफी अलग टाइप का मंदिर है और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है पत्थर का कहीं मिलान नहीं दिखाई देता तो उस टाइम की कारीगरी भी बहुत अच्छी रही होगी कारीगर के
काफी पुराना या फिर इतना बड़ा मेला लगता है जो 2-3 लाख लोग आते हैं यहाँ पे, लोग दूर दूर से मुंबई एक्चुअली वो यात्रा जैसे है ना, यात्रा है वो। ये जो मंजभोग है ये धैर्ताओं का मैती देवता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसका कहीं यहाँ मैती परिवार भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी यहाँ आते हैं अपना मैत के अपना याद बचपन की याद बोल रहे। और यहाँ पे ये इसका मेन गेट है, मंदिर का गेट है, और एक इस पे 2-3 गेट है, एक उधर है गेट, एक उधर का भी दिखाई दे रहा है, वो है गेट, वो हनुमान गेट है, वो गणेश गेट है, और एक मेन गेट आगे है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, और सरकार के लिए भी मेरा विशेष वो है कि सरकार भी इस मंदिर पे ध्यान दे, क्योंकि हमारे बहुत ही पौराणिक मंदिर है, और जो इसके सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में भी, क्योंकि सरकार ही कुछ करेगी तो कुछ बढ़ेगा, ये पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि पर्यटक तो आते हैं यहाँ पे, अगर इस मंदिर को और थोड़ा डेवलप किया जाए तो समस्या तो यहाँ कहीं है, एक तो टॉयलेट कम्प्लेक्स है ही नहीं, सुलभ शौचालय, यहाँ हम चाहते हैं कि सुलभ शौचालय, यात्रियों को काफी जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है यात्रियों को भी, तो यहाँ पे मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो इस बारे में सोचे और मंजनकांडा को थोड़ा और डेवलप करने की सोचे। तो हमारे DM साहब हैं, हम चाहते हैं कि वो विजिट करें, SDM साहब विजिट करें और देखें डेवलपमेंट हो, और जो और मंत्री जी आए तो और भी बढ़िया होना चाहिए डेवलपमेंट। MLA साहब आए थे, MLA साहब ने आश्वासन तो दिया। अब एक बार हम मंजू घोष का एक जयकारा लगाएंगे, बोल मंजू घोष।